नमस्कार, बबीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं केक जो बहुत जल्दी झटपट से बन जाता है और स्पॉन्जी केक है ये। बहुत ही अच्छा, बहुत कम सामग्री से बनाएंगे हम इसे और बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। इसे हम चाय के साथ खा सकते हैं इस तरह से कट करके, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं केक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करीब गेहूं का आटा ले लिया है और जिसे इस कप से लिया है मैंने 1 कप और 1/4 कप ले लिया है। और ये चीनी को मैंने पीस कर ले लिया है, ये 10 टेबल स्पून है, तो इस तरह से पीस के ले लेना है। और यहाँ मैंने ये मलाई ली है, मलाई मैंने 8 टेबल स्पून ली है और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। आप मक्खन या बटर, घी कुछ भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है मैंने और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, ना ठंडा ना गर्म। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीनी पाउडर ले लिया है, इसमें मलाई डाल देंगे और ऑयल भी डाल देंगे इसमें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बिल्कुल इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और अच्छा क्रीमी टेक्सचर आने तक फेंटना है इसे। तो ये देखिए कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आ गया है, ये देखिए। बस हमें इतना ही फेंटना है। तो चलिए इसमें हम आटे को छान लेते हैं। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी में हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना हो और जो भी इसमें मोटा पोर्शन वो भी निकल जाएगा। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हम पतला कर लेते हैं। एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, जितना हमें लगेगा उसी तरह से हम इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से घुमाते हुए ये देखिए हमने बना लिया। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून विनेगर और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है और मिक्स कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने मिक्स और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बैटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें। तो चलिए इसमें फ्रूटी डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्रूटी में मैंने मैदा मिक्स किया है ताकि ये तली में जाकर ना बैठे, थोड़ी सी बचा ली है ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने केक टिन तैयार कर लिया है, आज मैं इस बर्तन में बना रही हूँ। आप इस तरह के केक टिन में भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज इसी में बनाऊँगी, ये वाले इसमें। तो चलिए इसे ऑयल लगा लिया था मैंने अच्छी तरह से और बटर पेपर लगा लिया कट करके और ये बैटर डाल दिया है। टैप कर देंगे थोड़ा सा, ऊपर से थोड़ी सी फ्रूटी डाल देती हूँ मैं इसे। और यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ख़राब वाली ली, आप भी इसी तरह की कढ़ाई ले, दूसरी नई कढ़ाई ख़राब ना करें। स्टैंड लगा दिया है, नमक डाल दिया है। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं, सावधानी से रखना है क्योंकि ये गर्म है। तो ढक देंगे और ढक कर इसे हम 45 से 50 मिनट तक बेक होने देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बेक हो चुका है हमारा केक, अच्छा फूल कर आ गया है। चेक कर लेते हैं, देखिए नाइफ बिल्कुल साफ़ निकली है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है केक। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं, ठंडा हो चुका है। तो चाकू से हम किनारे इसके हटा लेंगे थोड़ा और इसे निकाल लेते हैं। प्लेट लगा के मैंने इसे पलट लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है, अच्छे से बेक हुआ है हमारा केक। और ये देखिए पलट लेते हैं, कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हो चुका है और फ्रूटी कितनी बढ़िया लग रही है इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया नीचे से भी बेक हुआ है हमारा केक। तो चलिए कट कर लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और हाइट देखिए, जाली देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है हमारी, बहुत बढ़िया स्पॉन्जी केक बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चाय के साथ आप खा सकते हैं। इसमें फ्रूटी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत अच्छा लगता है और वनीला एसेंस डाला है इसलिए इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसमें हमें कोई चॉकलेट या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत टेस्टी है ये। केक बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जब बैटर तैयार कर रहे हैं उसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। आप बैटर को स्पून से गिराने पर बिल्कुल रिबन बननी चाहिए, ऐसा बैटर आप तैयार करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब बेक कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको बेक करना है, वरना आपका
जो केक है वो नीचे से जल जाएगा और अच्छे से बेक नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह से बनाएंगे यदि केक तो बहुत ही अच्छा केक बनकर आपका रेडी होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।